हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्वालबा कोचिंग क्लासेस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा आज का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ये ठीक है, ये कंडक्टर था। इसकी लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है। हमारे पास एक कंडक्टर गिवन है, ठीक है, जिसकी लेंथ एल है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए। और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन लगता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको नहीं पता, तो इससे पहला वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने होंगे, मान लेते हैं कैपिटल एल, मतलब जो ये कंडक्टर है इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कैपिटल एल, ठीक है। यहाँ पे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं स्मॉल एम, जिसको कहते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, ठीक है। नंबर डेंसिटी बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्या बताता है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, कंडक्टर का एरिया ए गिवन है और उसकी लेंथ एल गिवन है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ए एल, ठीक है। इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो गया, ए एल, ठीक है। तो स्मॉल एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी होता है, वी की जगह पे हम ए एल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे स्मॉल एन इंटू ए एल, ठीक है। तो इतने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा, जब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो उसमें एक करंट आएगी, वो करंट कितनी होगी, वो करंट होगी I, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है करंट, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितनी है, क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब Q क्या होता है, Q होता है टोटल कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो टोटल कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, टोटल चार्ज फ्लो कर रहा होगा वहां पे N E, ठीक है। टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, कैपिटल N, ठीक है। तो N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू है N A L E, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, एन ए एल ई, ओके। चलिए आगे करते हैं इसको, करंट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी था, क्यू की वैल्यू हमें मिल गई एन ए एल ई अपॉन टी, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां ध्यान दो, ये जो कंडक्टर था इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, कितना लेंथ ट्रेवल कर रहा था, एल, एल लेंथ ट्रेवल कर रहा था, कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा था, टी टाइम में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या एल अपॉन टी लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन टी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वाले में, इस फॉर्मूले में हम यहां से L अपॉन टी को क्या लिख देते हैं,
एल अपॉन टी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख देते हैं, ठीक है। ये मिल गया हमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा अगर इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा लेते हैं। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा था, ई टॉ अपॉन एम होता है, ठीक है। इसमें स्मॉल ई क्या होता था, स्मॉल ई होता था चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या होता था, कैपिटल ई होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ क्या होता था, टॉ होता था रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। टॉ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, और स्मॉल एम होता था मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम रख लेते हैं एन ए ई ई कैपिटल ई टॉ अपॉन एम, थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा, एन ए ई स्क्वायर ई टॉ अपॉन एम, ये हो गया करंट का एक और फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अभी अगर देखें तो यहाँ पे जो करंट है किस किस चीज पे डिपेंडेंट है, पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पे टर्म्स कौन कौन से हैं जो कांस्टेंट है। ई कांस्टेंट है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट है, कंडक्टर कोई सा भी होगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। एम कांस्टेंट है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एन वेरी कर सकता है, मतलब नंबर डेंसिटी कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी कर सकती है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी वेरी कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हम रख रहे हैं वो भी वेरी कर सकता है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आगे वाले वीडियोस में बताएंगे कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट कैसे होता है, ठीक है। तो इन सारे टर्म्स पे डिपेंडेंट है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो आगे, देखो हमने पढ़ा I इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर ई टॉ अपॉन एम, अगर मैं इस एरिया को नीचे ले आता हूं इसके I के नीचे ले आता हूं, क्या हो जाएगा एन ए एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टॉ अपॉन एम। अच्छा आई अपॉन ए क्या होता है, आई अपॉन ए होता है करंट डेंसिटी, तो हम इसको करंट डेंसिटी को जे लिख सकते हैं, तो एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टॉ अपॉन, ये हमें करंट डेंसिटी का भी रिलेशन मिल गया बाकी सारे टर्म्स के साथ, बाकी सारे टर्म्स के साथ हो गया। अच्छा अब जरा और देख लेते हैं, टॉ इज इक्वल टू, अच्छा एक और चीज, अभी हमने देखा था कि करंट करंट इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या हो रहा था, एन ई ए वी डी हो रहा था, ठीक है। यहां पे भी अगर ए को नीचे लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा एन ई वी डी, ठीक है। ये क्या टर्म है, ये है आपका करंट डेंसिटी, क्या है ये करंट डेंसिटी है, ठीक है। इसको हम जे लिख देते हैं, तो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है। तो यहां से हमें करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन भी मिल गया, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।